यार रोम तने छम बेकरार 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 से आप अपना दामन नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वक्त का तकाजा है, हालात बदलते रहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि एक सिंगल एक ऑफिसर जो होता था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता था, एक सिंगल टीचर इतने बड़े मिडिल स्कूल को चलाता था, एक सिंगल टीचर बड़े एक प्राइमरी स्कूल को चलाता था। तब हमारे पास स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी, न ये वसाइल न ये वसाइल, कुछ भी नहीं चलता था, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते थे। उनमें एक लगन थी, उनमें एक मकसद की तड़प थी कि हमें मकसद हासिल करना है। उसी के साथ साथ जब वक्त बदलता गया, ज़माने ने करवट बदली, नए नए प्लान आ गए, नए नए स्कीम्स आ गए, नए नए इंटरवेंशन आ गए, तालीम का बढ़ोतरी हो गई, नए नए चेहरे चैलेंज आ गए। इन चैलेंज को पाटने के लिए जब हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट इदारा खालिश में चीफ एजुकेशन ऑफिसर जरियो साहब इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता, जबकि हम बोलते हैं, आम तौर पर आपने सुना भी होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली तो दो हाथों से बजती है। तो हम इस मकसद जो हमारे पास है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, भला हुआ हमारे समग्र शिक्षा का जिन्होंने इसका प्रोग्राम इसको फाइनेंस भी किया है, हर जोन में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसके बुनियादी हम दो मकासद लेके चलते हैं, वो दो मकासद ये हैं कि आपके सामने अपने बच्चों की कारकर्दगी दर्शाई। आपने शरीर से देखा होगा हमारे छोटे छोटे नौजवान बच्चे, जो मासूम बच्चे, अभी उनको बेचारे वो बात करना भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आपके सामने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। मैं यकीन बोलता दिल की गहराइयों से उनको सल्यूट करता हूं और उनको खुशाम दे देता हूं। उसका भी उन पर काम किया, आप खुद देखेंगे कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। अकबर साहब क्या खूब कह गए हमारे बच्चों के बारे में, जरा नम हुई मिट्टी
तो बहुत जरखैज है। नंबर साफ पंचायत राज सरपंच पंच विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स एसएमडीसी मेंबर्स एसएमसी मेंबर्स एंड लास्टली डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। द वर्ड ऑफ द डे इज इल्म, यानी आज का दिन, आज के दिन ये महवर होगा इल्म। इसी इल्म या नॉलेज के को महवर बनाकर तमाम मुकर्ररीन घूमेंगे और यहां से हदायत भी मिलेंगे और यहां से हमें मशवरे भी मिलेंगे जो हमारे लिए मुफीद होंगे कि हम किस तरह इस इल्म से हैजाब हो जाएंगे। बस सिर्फ ध्यान रखना है, हमारे सामने माहिर तालीम मौजूद है, हमारे अफसर्स की सूरत में सुनने वाले भी पढ़े लिखे हैं, लिहाजा ये हमारी खुशकिस्मती है। हमारे पीआरआई मेंबर भी पढ़े लिखे होते हैं, आजकल हमारे नंबरदार भी पढ़े लिखे होते हैं, कोई अननॉलेजेबल नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी बात है, थोड़ा ध्यान रखना है कि इस स्टेज से कौन से हदायत मिलेंगे और हम यहां से क्या ले जाएंगे अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम लडीशा,
سباب نشه از گران چی سری آم دلن مز آسان جوان چی دام لوندو چی آسان ریتی میدوان زن مگر مے گزارشن کہ میون جو سکول سہ کنوہ شیت پانچ ست پہ مڈل سکول ٹونگ دن ونکس تک نئے آڈرس یم زن تم سہ ہسا گھس ڈیر پور تت پہ کلب یہ سہ ڈیر پور کلب گھس تم تقریباً تقریباً تر کلو میٹر ہیور پہ یہ زڈیو صوب ادب گزارش کر بس ہوا کنس بار کھوچن آگن بہ کیا فقط بدن چھسا بمار کھوچن آگن سٹنگ ان گرلس ہائر سیکنڈری اسکول یاری پورہ وتھ مائی فرینڈ مسٹر اعجاز اینڈ مسٹر پرویز ان دا لائبریری اینڈ سڈنلی مائی آئیز کاٹ a book titled Kulliyat Iqbal and I don't know which volition I came across a poem by Allama Iqbal meant for school children but I felt like quoting it in front of tujhe ho sharam to pani mein jaake doob mare zara si cheez hai is pe gurur kya kehna ye akh aur ye samajh ye shuur kya kehna خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے یہ پہاڑ گہرائے گلہری سے جو ہے بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے یہ پہاڑ کا گلہری سے کہنا ہے تیری بساط ہے کیا میرے شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے
God is in his heaven. God is in his heaven. All is right with the world. आज की इस महफिल को मैं इस नजरिया से देखता हूं, जैसे पार्लियामेंट का सेशन लगता और पार्लियामेंट के सेशन में जो भी टाइम गुजर जाता है वो पार्लियामेंट का सेशन, वो पार्लियामेंट का टाइम नहीं होता है, वो पूरे देश का टाइम है। अस्सलाम अलैकुम लैदीशा, अस्सलाम अलैकुम लैदीशा, लैदीशा वन इन्ने क्या सनदाउ, लैदीशा वन इन्ने क्या सनदाउ, अस्सलाम अलैकुम लैदीशा, कुबूरो कुवारियो तायो दान, कुबूरो कुवारियो तायो दान, साब पर न छूं। अब एक खुशियां बचो तो पाई नौ बजे इसलिए बनान स्कूल मेन तुम ब्रोह कम गो आफ्ताब शमा हवन बराबर मे पता कि अगर ना मे कह वन ते मे उम्मीद कि तुम तम माने काड़ मानो सथियो मानो जी इज्जत आफिसर साहिबो मेन गुजारिश टोटल यी सेक्टर एजुकेशन यह गोस फलन तो नव सी उम्मीद यी सी सोशल वर्क यी कि यस एजुकेशन सेक्टरस मज कमी आमी ग रलित मिलित ने कहा है कि जिसको अपनी जबान पे कमांड है, जिसको अपनी जबान पे आती है, मादी जबान आती है, वो दुनिया की कोई भी जबान सीख सकता है। इसलिए मैं यह उम्मीद रखूंगा कि आप कहीं ना कहीं अगर उस्ताद हैं, कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स भी हैं, तो अपने बच्चों को अपनी मादी जबान जरूर सिखाएंगे। इसके अलावा मैं यहाँ के बच्चों से मैं मुखातिब होकर यही कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है। हमने कहीं गलतियां क्यों होंगी, हमने नफरतों के दरिया बहा दिए होंगे, लेकिन वो दरिया तो हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन एक बात है कि हम कहीं ना कहीं उन नफरतों के बाजार को, उन नफरतों के दरिया के जो बहेंगे वो बहेंगे, हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन काम कर सकते हैं। मुझे आज के उस्ताद काम पे भी फख्र है कि वो इतने अच्छे उस्ताद हैं कि आज हम भी इस दौर में पैदा होते जिस दौर में आप बच्चे पैदा हुए हैं। और मैं आज के यूथ पे, आज के नौजवान से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका यारी पूरा जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने परखा है, ये धरती एक बड़ी फर्टाइल धरती है। इस धरती ने बड़े बड़े नाम पैदा किया है। आपका मुकाबला मैं बच्चों से कहूंगा यारीपुरा से नहीं है, कुलगाम से नहीं है, कश्मीर डिवीजन से नहीं है, जम्मू यूटी से नहीं है, आपका मुकाबला इंटरनेशनल लेवल पे है। तो मैं इसलिए कहूंगा आपका मुकाबला ग्लोब से है कि आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो हिम्मत है कि आप
इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये दावे से कहता हूँ और वसूख से कहता हूँ और तजर्बे से कहता हूँ। मैं ये उम्मीद भी रखूंगा, मैं ये कहता हूँ कि हम बात करते हैं अमन की, हम बात करते हैं तालीम की, हम बात करते हैं शांति मशाल की, हम बात करते हैं पीस एजुकेशन की, हम बात करते हैं शांति की। ये सब तभी मुमकिन है जब हमारी अच्छी तालीम के साथ साथ हमारी अच्छी इलम हो। इलम तालीम कुछ और शय है, इलम कुछ और है। इलम से आपका इखलाक बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आप कभी रास्ते से डगमगाओगे नहीं, आप एक अच्छी सोच के मालिक बनोगे। आपने जो कारनामा पेश किया, मैं चंद दिनों से देख रहा था, कहीं फोटोग्राफ भी दे रहा था, कहीं मुझे कहीं जाने पहचाने टीचर भी मिल जाया करते थे। आपके ये मैनेजमेंट के टीचर, मैनेजमेंट के लोग, मैं कहता हूँ कि पिछले 50 घंटे से ये दिन और रात काम कर रहे हैं। रियली आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तैक हैं। तो वो चाहे हमारे वसीम साहब हों, शौकत साहब हों, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, हमारे शबीर साहब हैं और बहुत सारे यहाँ लोग हैं, हमारे स्टेज सेक्रेटरी हैं, और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। सी ऑफिस से, हमारी डायट से हमारे जाज साहब यहाँ मौजूद हैं। सर, आपकी मौजूदगी का हमें पूरी तरह एहसास है। और हमारे एक और ये नौजवान शायद उस्ताद हैं, खुर्शीद साहब, बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की। और मैं ये चाहूँगा, ये बातें जो आज इन्होंने पेश की हैं, ये कम से कम एक दिन ये कश्मीरी में ट्रांसलेट करके जरूर यहाँ कहेंगे, जो आपने आज आपने इंग्लिश में कहा। हमारे एक और पीआई मेंबर, ये हमारे मेंबर हैं, मैं उनका नाम नहीं जाता, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ कि आप जिस जज्बे से स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए, आप सबका शुक्रिया। जेडियो साहब, आपने मुझ पर भरोसा जताया, इंशाल्लाह सारे जमीन कोली पूरा भरोसे पे उतरने वाला है, कोल को कोल समझने वाला है, और अपने जिम्मेदारियों को निभाना मैं खूब जानता हूँ। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन अफसर साहब को कि वो स्टेज पे आए, और हमारे होस्ट जनरल एजुकेशन अफसर साहब और फारूक साहब और अब्बास साहब जो होस्ट हैं, उन्हें मालाएं पहनाएं और बुकी पेश करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं मोहतरम चीफ एजुकेशन अफसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहीं पे रुके, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर हैं और हम चाहेंगे कि उन्हें द बॉस ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटेट करें। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जो हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्टेज पे आए और उन्हें हमारे बॉस ऑफ द एजुकेशन बुकी पेश करें। जोरदार तालियां, ये हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर मोहम्मद अमीन भट्ट साहब से के लिए। सर आप अपनी कुर्सी पे तशरीफ फरमा हो जाएं। अब मैं अदबन एहतरामन दावत दे रहा हूँ जो एक ग्रेट ऑरेटर है और बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हांगेर मिस्टर मोहम्मद अमीन कोहली साहब। सरदार तालियों से स्वागत करें प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हांगेर मिस्टर मोहम्मद अमीन कोहली साहब। इन्हें बुकी पेश करें। अब मैं अदबन एहतरामन दावत देना चाहूंगा मैन ऑफ ह्यूमिलिटी। अगर इंसानियत कोई शय है तो बिल्कुल वो इसकी जिंदा मिसाल है, वो है हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मिस्टर निसार अहमद बाबा साहब। जोरदार तालियां जाए प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मिस्टर निसार अहमद बाबा साहब। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो चेयरमैन हैं इस कमेटी के मिस्टर फारूक अहमद मलिक साहब, वो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब को बुके पेश करें। और हमारे वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब इस कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद मलिक साहब हाई स्कूल हेडमास्टर निर्मय को बुके भी पेश करें और उन्हें माला भी पहनाएं। जोरदार तालियों से साथ ही जो हमारी रिफ्रेशमेंट कमेटी है उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत हो गया है और शाम माला को भाई जोरदार तालियां हो जाए हमारे सुनाई हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर मिस्टर संदीप शर्मा को। हेलो।